नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक्षा है। आपका स्वागत है कविताओं से जुड़े हमारे प्रोग्राम एक कविता रोज में, जहां हर रोज हम लेकर आते हैं आपके लिए कविता की खुराक। आज एक कविता रोज में कुंवर नारायण की कविता। वही कुंवर नारायण जो कहा करते थे कि आदमी कभी भी अकेला एक आदमी नहीं होता, तमाम लोगों और परिस्थितियों से जुड़ा होता है, न चाहते हुए भी जबरदस्ती जोड़ दिया जाता है। 1927 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में जन्मे कुंवर नारायण ने अपनी कविताओं के लिए कई तरह के पुरस्कार अपने नाम किए। यहाँ तक कि उनके खंडकाव्य आत्मजयी का 1989 में इतालवी अनुवाद रोम से प्रकाशित हुआ। आज के एपिसोड में हम सुनेंगे कुंवर नारायण जी की कविता एक वृक्ष की हत्या। अब के घर लौटा तो देखा वो नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियों दार खुरदुरा तना, मैला कुचैला, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाओ में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना, अपनी खाकी वर्दी में दूर से ही ललकारता, कौन? मैं जवाब देता, दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाओं में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन, कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। शुक्रिया।